सभी को नमस्कार। आज सूरदास जी का जो पत्र हम ले रहे हैं, जिसकी व्याख्या के लिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों का विशेष अनुरोध था, 12th में शायद कुछ बोर्ड में नहीं है, ये ग्रेजुएशन में है, कई जगह कई विश्वविद्यालयों में पत्र देखेंगे। एक बार संक्षिप्त जानकारी देते हैं आपको। सूर्य की भाषा ब्रज है, मैं हर बार बता देता हूं ताकि आप याद रखें, गलती न होने पाए। सूर का की शैली या छंद पद शैली कहा जाता है, क्योंकि सूर ने पद ही लिखे हैं, दोहा चौपाई आदि नहीं लिखे, ठीक है ना। गोपी और उद्धव का संवाद चल रहा है, कृष्ण के वियोग में गोपिकाएं पीड़ित हैं, तड़प रही हैं, परेशान हैं, इसलिए वियोग श्रृंगार है, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रक्ष का वियोग पक्ष। इधर गोपिकाएं परेशान है, उधर कृष्ण परेशान है, कृष्ण के संदेशवाहक उद्धव आए हुए हैं, निराकार ईश्वर का उपदेश दे रहे हैं, गोपिकाएं प्रेम के रस में डूबी हुई हैं, गोपिकाएं कृष्ण की भक्ति में हैं, प्रेम के रंग में रंगी हैं, वो उद्धव का निराकार खंडित कर देती हैं और उद्धव से तमाम नाना प्रकार के वार्तालाप करती रहती हैं। आज के पद में गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, अति कह दिया, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। साथियों ध्यान देंगे, अति अति तो कहीं होनी ही नहीं चाहिए, है ना, कभी नहीं लिखा ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। गोपिकाओं ने कहा, लेकिन हे उद्धव तुम भागी माने भाग्यशाली, और भाग्यशाली का भी एक विशेषण दिया, बड़भागी, बहुत अधिक भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हो, लेकिन उसकी भी अति हो गई, अति बड़भागी। देखें आप, ऐसा लग, कभी कभी प्रशंसा भी हम ऐसी करते हैं कि जो अलग से पता चल जाती है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यहां जानते हैं व्यंग है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम कहते तो बड़ाई करते हैं। एक अलंकार बताया था मैंने आपको, दो अलंकार होते हैं, व्याज स्तुति और व्याज निंदा। कक्षा 10 के बच्चे भले इस बात को न समझें, लेकिन बाकी हमारे जो साथी हैं वो बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी, प्रतियोगी कक्षाओं के विद्यार्थी जरूर ध्यान रखेंगे, दो अलंकार होते हैं, एक होता है व्याज स्तुति और एक होता है व्याज निंदा। कई बार गलती होती हमसे, व्याज स्तुति और व्याज निंदा, निंदा स्तुति को एक बार अलग रख दीजिए, ब्याज। साथियों ब्याज वो है जो अलग से मिलता है, भाई हमने किसी को 1,000 रुपए दिए, बैंक में जमा किए, हमको 20 रुपए अगर मिले तो 1,020 हो गए, ये 20 रुपया ब्याज है। तो कहने का मतलब ये, मूलधन अलग है ब्याज अलग है, तो जहां ब्याज में बड़ाई हो, स्तुति हो, अर्थात कहने का मतलब ये, सामने बुराई हो लेकिन ब्याज में स्तुति हो, वहां पर ब्याज स्तुति अलंकार होता। हम कर तो बुराई रहे हैं, लेकिन मैंने इसके लिए अलंकार देखिए हमारा, यहां पर ब्याज निंदा, जहां सामने तो बड़ाई हो रही है, इसका उल्टा कर दीजिए, लेकिन हमको ब्याज में अपरोक्ष रूप में क्या मिल रहा है, निंदा। देखें आप गोपिकाओं ने, यहां पर पहला अलंकार हो गया आपकी पंक्ति का ब्याज निंदा अलंकार, मैं लिख देता हूं व्याज निंदा। उद्धव को संबोधित किया गया है, दूसरा अलंकार भी हो जाएगा, संबोधन अलंकार, मैंने बताया था आपको संबोधन अलंकार। ब्याज निंदा कहती, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, बहुत अधिक भाग्यशाली हो, मगर वास्तविकता यह है कि ये इसलिए कहना चाहती हैं, अरे उद्धव तुम किसी काम के नहीं, जिसने कृष्ण से प्रेम नहीं किया, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया, जो प्रेम के रंग में डूबा नहीं, वो अपने को क्या मानता है। बड़ी अच्छी बात कही है दीपक, देखते हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। एक बात और, शब्द शक्तियां तीन होती हैं, मैंने बताया था आपको, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। एक बात आप यहां दिखा सकते हैं तुरंत लिख करके, कि यहां पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, शब्द शक्ति, यहां पर लिखेंगे हम शब्द शक्ति। अब शब्द शक्ति है कौन सी, यहां क्योंकि व्यंग है तो यहां पर व्यंजना शब्द शक्ति हो गई, व्यंजना शब्द
शक्ति। साथियों ये विशेषताएं हैं, जितनी जितनी अधिक सोचते जाएंगे लिखते जाएंगे। कहती हैं अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस साथी बहुत ढंग से देखिएगा, अपरस आ अलग कीजिए, परस अलग कीजिए। अब ध्यान देंगे ये परस ब्रजभाषा में लिखा हुआ है, परस का तत्सम शब्द है स्पर्श। स्पर्श का मतलब टच, छूना। अपरस जो छुआ न गया हो, जिसको हम छुए ना। अपरस राहत हरे उधव, तुम तो बिल्कुल दूर हो, तुमने आज तक छुआ नहीं क्या। बोली स्नेह तगाते, स्नेह का मतलब स्नेह और तगा का मतलब तागा या धागा, जिसे हमारे तमाम विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में थ्रेड दे दीजिए, थ्रेड दे दीजिए कहते हैं। धागा कहा है, धागा ही बड़ी भारी चीज होती है। धागा एक ऐसा होता है जिससे पकड़ के हम पाल जा सकते हैं, है ना रहीमन। धागा प्रेम को मत तोरे उचटकाए, आपने पढ़ा होगा। कहती है उद्धव तुमने तो स्नेह तगा कहा है, प्रेम रूपी धागे को अरे उद्धव तुमने तो आज तक स्पर्श ही नहीं किया, छुआ ही नहीं। जिसने प्रेम ही नहीं छुआ उसे क्या पता प्रेम क्या होता है। नहीं कहते लोग बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अपरस रहत अरे अपरस, तुमने तो कभी स्पर्श ही नहीं किया, तुमने तो कभी टच ही नहीं किया, छुआ ही नहीं क्या प्रेम धागा को, प्रेम रूपी धागे को तुमने स्पर्श नहीं किया। अर्थात तुम क्या जानो प्रेम व्यंग है, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है। अपरस राहत स्नेह तगाते, ठीक है नहीं स्पर्श किया था नहीं छुआ था, कम से कम मन में तो प्रेम होना चाहिए। हमारे पास तीन चीजें होती हैं, मन वचन और कर्म, कर्म से मन से और वाणी से। अरे वाणी से तुम हो ही नहीं, क्योंकि वाणी से तुम निराकार की प्रशंसा कर रहे हो, वाणी चली गई। मन और कर्म, कर्म में देखा तुमने कभी काम ही नहीं किया, तुमने प्रेम रूपी धागे को स्पर्श ही नहीं किया, और रह गई मन की बात। अक्सर लोग कह देते हैं मैंने ऊपर से जरूर बिगड़ दिया था लेकिन मेरे मन में इस विद्यार्थी के लिए, इस व्यक्ति के लिए बड़ा सम्मान है, बड़ी इज्जत है, बड़ा प्रेम है। कहती है तुमने क्या है, अरे नाहिन मन अनुरागी। अरे तुम्हारे मन में भी अनुराग कहते हैं प्रेम को, न तो तुम्हारे मन में प्रेम है और न तुम्हारे कर्मों में प्रेम है। तुमने कभी स्नेह रूपी धागे को, प्रेम रूपी धागे को स्पर्श तक नहीं किया। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मैं प्रयास करता हूं। यद्यपि मेरा 40 मिनट के पीरियड में मैं हमेशा आजीवन एक पद पढ़ा पाया करता था, लेकिन यहां 20-25 मिनट में पढ़ाते हैं। कई हमारे विद्यार्थी कहें, दर्शक कहें, श्रोता कहें, भाई बहुत बड़ाई कर देते हैं। आज हमारे एक किसी श्रोता ने लिखा था आप YouTube पर एक कमेंट लिख दिया, सर आप नई पीढ़ी के लिए पिता नहीं पितामह हैं। यहां तक तो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, एक बुजुर्ग के नाते आपने सम्मान दिया, लेकिन एक अगली पंक्ति जो थी उसमें लिखा हुआ था कि नई पीढ़ी को आप इसी तरह लज्जित करते रहें क्योंकि आज की पीढ़ी कुछ पढ़ नहीं रही। मैंने तत्काल उसका उत्तर दिया, लज्जित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हम तो चाहते हैं हमारी नई पीढ़ी हिंदी में जहां कमजोरी है उसको पूरा करें। आगे देखते हैं साथियों, अपने जो पढ़ा रहे हैं उनको भी कहता हूं। अगली पंक्ति में कहते हैं पुरैन पात राहत जल भीतर। गोपिकाओं की वाणी देखिए, वाक चातुरता देखिए, वाक मधुरता देखिए। पहली में कह दिया हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमने तो आज तक प्रेम रूपी धागे, कक्षा 10 के लिए केवल इतना, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुमने प्रेम रूपी धागे को कभी स्पर्श ही नहीं किया और न ही तुम्हारे मन में कभी प्रेम की बात आई, न ही मन में प्रेम का अंकुर आया, न ही तुमने मन से प्रेम किया। अगली पंक्ति पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन साथियों, पुरैन का अर्थ होता है कमल, कमल का पत्ता। पुरैन पुरैन पात, पात माने पत्ता, पुरैन माने कमल, पुरैन पात कमल का पत्ता। रहत जल भीतर, अरे वो तो पानी के अंदर रहता है, तभी तो उसका नाम पंकज है, जलज है, नीरज है, तोयज है, अंबुज है। ये पानी की पर्यायवाची, कमल की पर्यायवाची। कहती पुरैन पात, उदाहरण दे रही है गोपिकाएं एक बढ़िया सा, कहती पुरैन पात रहत जल भीतर, अरे तब भी तारस देह न दागी। क्या है उस कमल के पत्ते में, पानी के अंदर रहता है और पानी जो जीवनदायी है, लेकिन तारस उसके रस से, किसके रस से, पानी का रस। यहां पारस जो है पानी के लिए कहा गया, देह न दागी लेकिन कमल के पत्ते में एक बूंद पानी भी ठहर नहीं पाता। कल्पना कीजिए
कमल पत्ता देखिए पानी का डाले आप तो सब गिर जाता है नीचे, क्योंकि सोखता नहीं है। कहती है पुरैन पात रहत जल भीतर, अरे कमल का पत्ता तो पानी में ही रहता है। साथियों शायद कहना चाहती हैं कृष्ण के मित्र हो, कृष्ण के पास थे, कैसे उनके दोस्त हो, लेकिन कृष्ण के प्रेम का रंग, कृष्ण के विचार तुम्हारे मन में स्पर्श तक नहीं कर पाए। तुमने कृष्ण के प्रेम में जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। तारस देह न दागी, उस रस से पानी का एक बूंद भी उस कमल के पत्ते पर प्रवेश नहीं कर पाता, ज्यो का त्यों रहता है। मैं समझता हूं स्पष्ट हो गया होगा आपको, क्योंकि हमारा अभी बाकी पर ज्यो जल माही तेल की गादरी। आगे एक उदाहरण दे रही गोपिकाएं, ज्यो लगाया है साथियों। हालांकि ज्यो में अलंकार बदल जाता है कहीं कहीं, कहीं उत्प्रेक्षा होता है, कहीं उपमा होता है, कहीं उदाहरण होता है। अभी समझने की बात है, मैं यहां पर बड़ा अच्छा पद है, यहां पर भी ज्यो आ गया है और यहां पर भी ज्यो आ गया है, लेकिन दोनों में अलग अलग अलंकार है, ध्यान दीजिएगा। कहती है ज्यो जल माही तेल की गागरी, जिस प्रकार यहां उदाहरण है, जैसे ज्यो यहां पर कौन सा अलंकार हुआ, उदाहरण अलंकार। गोपिकाएं कहती हैं ज्यो जल माही, जिस प्रकार जल में पानी में तेल की गागरी, एक तेल की घड़ा ले लो साथ, तेल की गागर का मतलब यहां घड़े में तेल कस के लगा हो। जब घड़े में तेल लग जाता है किसी बर्तन में तो पूरा मिट्टी तेल सोख लेता है और वो पूरा बढ़िया तेल से लगा हुआ, आयल से युक्त घड़ा बन जाता है। ज्यों जल माही तेल की गागर, तेल से डूबी हुई, तेल से भरी होने से मतलब नहीं है, तेल की गागर। तेल जब होगा, जब गागरी में तेल भरा होगा तो निश्चित है उसका प्रभाव बाहर तक होगा। मिट्टी है चूंकि, कांच का गिलास नहीं है, प्लास्टिक की शीशी नहीं है कि बाहर ना आए, मगर घड़े की विशेषता ये होती मिट्टी की, जो चीज रखी है वो अपने आप थोड़ा सा उसका पानी सोख सोख करके आता है तो सारा तेल, ज्यो जल माही तेल की, और तेल की विशेषता होती है जहां तेल लगा हुआ है उसके ऊपर अगर पानी डाल दीजिए तो वो पानी असर नहीं करता, अलग आप पानी गिरा दीजिए। अरे नहाकर खड़े होइए, कभी तेल लगा लीजिए और फिर पानी डालिए, पता है तो उस समय आपके शरीर से पानी छिलता जाएगा। वो तो लोग तेल लगा करके जब साबुन लगा देते हैं तब पानी साफ होता है। जो जल माही तेल की गागर, जिस प्रकार जल के अंदर पानी के अंदर तेल की गगरी रहती है, लेकिन अरे बूंद न ताको लागी, एक बूंद पानी भी उसमें स्पर्श नहीं कर पाता है। जिस प्रकार उदाहरण अलंकार बड़ा बढ़िया दे दिया है ना, वही वाले हाल हो गए, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहा तो भुजंग। देख लो तेल की गागर होती है पूरी, जिस प्रकार तेल की गगरी को पानी में डुबो दीजिए, इतना पानी भरा है लेकिन तेल की गगरी में एक बूंद भी पानी स्पर्श नहीं करता, न वो लेती है। उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के पास रहते हुए भी, कृष्ण के निकट रहते हुए भी कृष्ण से कोसों दूर हो। अगली पंक्ति में बोली प्रीति नदी में पांव न बोलू। अब देखिए प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी, यहां प्रेम रूपी नदी हो गई, यहां पर स्नेह तगा था, ये दोनों शब्द आ गए, यहां पर अलंकार हो गया रूपक, यहां पर स्नेह रूपी धागा और प्रेम रूपी नदी। कहती अरे उद्धव प्रेम तो एक विशाल नदी की तरह है जो हर जगह चलता रहता है, सरिता बहती रहती है, प्रीति नदी में पांव न बोरियो। कितने बढ़ाई कर रही है, अरे निंदा है, यही तो व्यंग है, कह तो दिया बड़भागी। बोली प्रीति नदी में पांव न बोलो, तुमने आज तक प्रेम रूपी नदी में नहाने के जब हम जाते हैं, गंगा को स्पर्श करते हैं, नदी को स्पर्श करते हैं, फिर पैर डुबोते हैं उसमें। बोली तुमने तो प्रेम प्रीति नदी में पांव न बोलो, पैर बोलने का मतलब ये, तुम नदी किनारे तक चल के जाओगे तब तो पैर डुबोगे, तुम तो प्रेम के तट तक पहुंचे ही नहीं, उस नदी में पहुंचे ही नहीं जिस नदी में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। प्रीति नदी में पांव न बोलो, और मान लो प्रीति नदी में पैर नहीं बोरा था, अरे दृष्टि न रूप परागी, और तुमने अपनी आंखों से भी, दृष्टि से भी, निगाहों से भी उसके रूप का पराग नहीं लिया, प्रेम का कभी आंखों में तुम्हारे प्रेम नहीं आया। अरे आंखें ही सब कुछ कह देती हैं, क्योंकि प्रेम छिपाया ना छिपाए जागट प्रगट होए। कबीर कहते हैं अरे ज्यो पै मुख बोलू नहीं नैन देत हैं रोए। आंखें तो प्रेम सब कुछ कह जाती हैं, आंखें भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सो बात। बिहारी कहते हैं प्रेम आंखों से झलकता है, नेत्रों से झलकता है, आंखें सब कुछ बता देती हैं, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में जो प्रेम का पराग है, जो रस है, जो आनंद है, जो मधुरता है, जो मधु है, वो तुम्हारी दृष्टि में आज तक नहीं आया, तुम्हें प्रेम दिखाई नहीं दिया। प्रीति नदी में पांव न बोलो, दृष्टि रूप परागी। अंत में कहती हैं अरे सूरदास अबला हम भोरी, अबला हम भोरी। नारी के लिए पुराने जमाने सब चलता आया था अबला, शक्तिहीन। बोली अबला तुमको कहा जाता है,
लेकिन मैं अबला तो हूं, वो तो मान लेती हूं कमजोर हूं, लेकिन मैं भोरी भोली भाली हूं, सीधी साधी हूं। यहां पर भी व्यंग है। अपनी शक्ति देखें आप, पूरी तरीके से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं, अभागा कह देती हैं, और इसके बाद कहती हैं सूरदास अबला हम भोरी, हम एक नहीं, अरे हम तो सबकी सब जो हैं अबला हैं, कमजोर हैं, कृष्ण के बिना रो रही हैं, खा पी नहीं रही हैं, मगर एक बात बताएं, गुरु चाटी ज्यो पागी। बहुत सुंदर, ध्यान दीजिएगा, यहां पर सूरदास अबला हम भोली, हम कैसे भोली हैं, समानता देखिए, यहां यहां समानता कर दी, यहां पर जो जलमाई तेल की गागर उदाहरण था, यहां समानता है, कहती गुरु चाटी ज्यो पागी, समानता है, हम अबला हैं भोली हैं, किस प्रकार, जैसे गुरु चाटी ज्यो पागी, यहां पर अलंकार हो गया उपमा अलंकार। साथियों अनुप्रास तो कई जगह मिल ही जाएगा आपको, अभी बता रहा हूं लाइन का अर्थ, अनुप्रास है ना, कई जगह आपको मिलेगा, देख लें आप, अपरस राहत स्नेह तगाते पात पिपुरैन पात, यहीं पे आपको अनुप्रास मिल गया। अनुप्रास एक ऐसी चीज है जो प्राय मिल ही जाती है। आगे देखते हैं, कहती है सूरदास अबला हम भोरी, अरे हम भोली भाली अबला हैं, गुर चाटी ज्यो पागी। बड़ी सुंदर उपमा है, गुर चाटी, गुर कहते हैं गुड़ को, गुड़ जानते होगे ना, चाटी छींटी कहते हैं, गीला गुड़ हो थोड़ा सा, कड़ा गुड़ नहीं, गीला गुड़ हो, बोली गुड़ चाटी, जिस प्रकार गुड़ जो है गुड़ में चींटी जब पहुंच जाती है, फिर वो आप अगर गीला गुड़ है और फंस गई चींटी तो निकाले नहीं निकलती चींटी, हाथ पैर तड़फे उसी की होकर रह जाती है, उसी में चिपक जाती है, मैं तो कृष्ण के प्रेम में। बड़ी सुंदर बात कही, गुड़ चाटी जो पागी कहा है, कृष्ण को गुड़ बताया है, मधुरता बताई है, मिठास बताई है, अरे हम उस मिठाई की तो पिक गई हैं, हम तो उसके हाथों समर्पित हो चुकी हैं, हम तो उस प्रकार हैं जिस प्रकार एक चींटी गुड़ में पक जाती है, गुड़ में चिपक जाती है, उससे निकल नहीं सकती, हमको भी तुम लाख प्रयास करना चाहो ये उद्धव, हम उससे बाहर आने वाली नहीं है। और व्यंगात्मक के रूप में कहती हैं, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम क्या जानो, सीधी सी बात ये हो गई कि तुम प्रेम क्या जानो, और प्रेम तो हम जानती हैं, और यही होती है ज्ञान पर प्रेम की विजय। और इसी के साथ आज के पद को की व्याख्या को यही विराम देता हूं, विशेषताएं आपके सामने हैं, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।